नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आपने अभी तक ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, लेमन ग्रास टी और मसाला टी जैसी कई चाय को टेस्ट किया होगा। इनको आपने अपनी डेली रूटीन में भी शामिल किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी रॉयबस टी के बारे में सुना है? शायद नहीं, बहुत कम लोग इस टी के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं रॉयबस टी के फायदों के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ये चाय क्या है, कैसे बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। पहले ये जानते हैं कि आखिर रॉयबस टी है क्या। दोस्तों, रॉयबस टी को रेड बुश टी कहा जाता है। वैसे आपको एक बात बताएं, रॉयबस टी एक्चुअल में चाय है ही नहीं, दरअसल ये हर्बल इन्फ्यूजन है। दरअसल साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले एस्पेलाथस लीनारेस नामक पौधे की लकड़ियों और टहनियों से ये बनाई जाती है। और वहीं चाय जो होती है वो पत्तियों से बनती है, और चाय जिस पौधे में उगती है उसका नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। वैसे ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए बताया, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में इसे रॉयबस टी या रेड बुश टी ही कहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि ये चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये एक हर्बल चाय है और इसमें कैफीन ऑक्सेलिक एसिड नहीं होता है, और इसमें ब्लैक या ग्रीन टी की तुलना में टैनिन का स्तर भी कम होता है। आपको ये भी बता दें कि इस चाय को बनाने का तरीका बेहद अलग है। इसको फर्मेंट करके ही इसके टी बैग्स तैयार किए जाते हैं। कैफीन मुक्त और केमिकल मुक्त होने के कारण ये चाय बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाए। दोस्तों, रॉयबस की चाय को किसी भी रूप में आप पी सकते हैं। इसमें दूध मिलाकर भी पी सकते हैं, इसमें शहद मिलाकर भी पिया जा सकता है। गर्म पानी में रॉयबस के टी बैग्स डाल दें, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसको आप पिए। अब बात आती है फायदों की। तो फायदे में सबसे पहले आपको बता दें कि ये चाय फर्मेंट होके बनती है, तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी चाय है। जिन लोगों को कब्ज या डायरिया होने की बार बार दिक्कत होती है, या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी की दिक्कत होती है, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए ये चाय बेहतरीन है। आपको बता दें, हम जो भी चीज फर्मेंट करके बनाते हैं वो चाय हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। फर्मेंट करने के बाद उस चीज में गुड बैक्टीरिया रीजनरेट होते हैं, जो हमारे पेट में, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। और जिन लोगों की इंटेस्टाइन वीक है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उन लोगों की भी परेशानी हल होती है, क्योंकि फर्मेंट चीजें खाने से उनकी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया फिर से रीजनरेट होते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह ये चाय भी फर्मेंट करके बनाई जाती है, तो ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। जी हाँ, आजकल आप देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो जाती है। हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना पीना हमें शामिल करना चाहिए, और रॉयबस चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, रॉयबस चाय अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रह सकता है। यही वजह है कि रॉयबस चाय हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आपको बता दें, रॉयबस टी एक हर्बल टी है जो कि टाइप 2 डायबिटीज से भी राहत दे सकती है। रॉयबस टी में एस्पेलाथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस एंटीऑक्सीडेंट में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। काफी स्टडीज में ये पाया गया है कि एस्पेलाथिन टाइप 2 डायबिटीज के कारण बढ़े हुए ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये टी टाइप 2 डायबिटीज के लोगों को काफी राहत दे सकती है। दोस्तों, रॉयबस टी में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपको ये बता दें, कई स्टडीज के मुताबिक रॉयबस टी शरीर में हड्डियों की मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे कमजोर हड्डियों के कारण होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस या और कई समस्याओं से आपको काफी ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है। दोस्तों, रॉयबस टी यानी कि रेड टी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन से राहत दिलाते हैं। ये एस्थमा के मरीजों के लिए भी मददगार है। इसी तरह एक्जिमा, हाई फीवर और भी कई तरह की एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने में ये रेड टी आपकी हेल्प कर सकती है। साथ ही ये टी स्किन फ्रेंडली है। आपको बता दें,
एंटी एजिंग के कारण होने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स, छुरियां, इन सब को डिले करने का ये काम करती हैं। तो दोस्तों, आज से ही रेड टी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अगर आप और तरह की चाय पीते हैं, जैसे ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी या फिर ब्लैक टी, तो अपने कहीं ना कहीं डाइट चार्ट में इसको भी जगा दें और इसके भी फायदे उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश में इसी तरह की हेल्दी वीडियोस आती रहेंगी। बस आपको सबसे पहले जीवन कोश को सब्सक्राइब करना होगा।